Hi friends, welcome to the desk देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को एक बार नरेशन पढ़ाया था, नरेशन के बारे में। फिर भी अभी कुछ लोगों के ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि नरेशन एक बार फिर से पढ़ाइए, हाउ टू चेंज द पर्सन एंड टेंसेस। नरेशन में पर्सन और टेंस को कैसे चेंज करते हैं हम, वो हम आज सीखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। फ्रेंड्स, मैंने कुछ सेंटेंस लिख के रखे हुए हैं। नरेशन में सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है चेंजिंग ऑफ द पर्सन एंड चेंजिंग ऑफ द टेंस। टेंस कब हम चेंज करते हैं? जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है। मैं आपको अच्छी तरह से समझाता हूँ, आप ध्यान से सुनना कि जब ये जो है रिपोर्टर है, ही इज द रिपोर्टर, ही सेज टू मी, यहाँ पर ही रिपोर्टर हो गया और सेज रिपोर्टिंग वर्ब हो गया और ये मी ऑब्जेक्ट हो गया। तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में रहता है तो इसका टेंस हम नहीं चेंज करते हैं। इतना याद रखना कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में रहेगा तो इसका टेंस हम नहीं चेंज करेंगे। किसका टेंस? रिपोर्टेड स्पीच का। ठीक है फ्रेंड्स, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जैसा का तैसा रहेगा, सिर्फ चेंजिंग होगा तो पर्सन में, प्रोनाउंस में। ठीक है, तो हम कैसे क्या चेंज करते हैं अभी हम यही सीखेंगे। तो यहाँ पर चूंकि ये सेज है, दिस इज द प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस है, इसलिए यहां का हम टेंस चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, सिर्फ चेंज होगा पर्सन, तो पर्सन किस हिसाब से चेंज होगा? यहां पर एक फॉर्मूला लिखा है SON 1 2 3, मीन्स S1 O 2 N 3। एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, वन का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन। अगर यहां पर फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन में है, तो हम उसको सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे जो यहां पर होगा। तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है? ही है, ही। यहां पर आई है, आई इज द फर्स्ट पर्सन। अब पर्सन क्या होता है? पर्सन में मतलब आई और वी, फर्स्ट पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, और इसके अलावे जितने भी आते हैं, आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, और इसके अलावे जितने भी आते हैं सारे के सारे थर्ड पर्सन कहलाते हैं। ये आप याद रखना कि आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, और इसके अलावे जितने भी आते हैं वो सारे के सारे थर्ड पर्सन में आते हैं। तो अभी आपको समझ में आ जाएगा, फर्स्ट पर्सन में मतलब आई या वी रहना चाहिए। तो फर्स्ट पर्सन यहाँ पर आई है, तो ये फर्स्ट पर्सन हो गया। तो फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पर सब्जेक्ट ही है, इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ही टेल्स मी। यहाँ पर सेज के बाद अगर ऑब्जेक्ट रहता है टू मी, टू हर, टू हिज, हिम, तो उसका हम टेल्स बोल देते हैं, मतलब सेज का टेल्स हो जाता है। वहाँ पर सेज का हम सेज नहीं लिखेंगे, टेल्स हो जाता है, टेल्स मी। यहाँ पर फिर दैट लगाते हैं, दैट अभी आई है, फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट ही है, तो यहाँ पर ही हो जाएगा, ही विल गो टू मुंबई। ओके, अब यहाँ पर दे विल से, ही इज नॉट रेडी, दे विल से, ये फ्यूचर टेंस है। तो मैंने बताया जैसे आपको पहले कि प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में होगा अगर रिपोर्टिंग वर्ब, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं चेंज होगा। तो यहाँ पर दे है, तो दे विल से, यहाँ पर इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया है इसलिए हम से का से लिखेंगे, दे विल से। उसके बाद दैट लिखेंगे, दैट, ही इज नॉट रेडी, अब यहाँ पर ही है, ही, तो ही कौन सा? थर्ड पर्सन, नो चेंज, थर्ड पर्सन में नो चेंज होता है, कोई भी चेंजिंग नहीं होती है। तो यहाँ पे थर्ड पर्सन है, यानी कि इन तीनों के अलावे है ना ये, तो ये थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन में नो चेंज, तो ही का ही हो जाएगा, ही इज नॉट रेडी। ठीक है, अभी राधा सेज टू मी, राधा यहाँ पे टेल्स हो जाएगा, टेल्स मी, क्योंकि सेज टू मी है, ऑब्जेक्ट आ रहा है इसलिए टेल्स हो जाएगा, टेल्स मी दैट यू आर अ गुड बॉय। यहाँ पर यू क्या है? सेकंड पर्सन है, यहाँ पे देखिए सेकंड पर्सन है यू, तो यू इज द सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन में क्या होता है? ऑब्जेक्ट के हिसाब से। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? इसमें ऑब्जेक्ट जो टू के बाद आता है वो ऑब्जेक्ट होता है, टू मी, तो मी ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मी का आई हो जाता है, आई एम अ गुड बॉय।
ओके फ्रेंड्स, इस तरह से हम पर्सन को चेंज करते हैं। अभी उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि हम किस तरह से, ये फॉर्मूला आप समझ लो अच्छी तरह से, ये S1 O2 N3 मीन्स फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन में नो चेंज। ओके फ्रेंड्स, ये आप याद कर लो और इसको समझ लो, आपको सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम कुछ सेंटेंसेस लिखेंगे पास्ट के, पास्ट यानी कि जिसका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट हो तो उसका टेंस कैसे चेंज करते हैं। तो अभी मैंने पास्ट के सेंटेंस लिख दिए हैं। अभी पास्ट में क्या फॉर्मूला है चेंजिंग का, चेंजिंग रूल्स ऑफ द टेंसेस, तो सिंपल है। आपको टेंस ज़्यादा इसमें जानने की जरूरत नहीं है, अगर आप ये टेबल याद कर लेते हो तो आपको चेंज करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इज आर, जैसे इज और एम रहता है इधर रिपोर्टेड स्पीच में, अगर टेंस में इज आर एम रहता है तो इसको वॉज लिखेंगे, आर रहेगा तो वर लिखेंगे, हैज़ और हैव रहेगा तो हैड लिखेंगे, विल और शैल रहेगा तो उसको वुड में चेंज करेंगे, कैन होगा तो कुड में चेंज करेंगे, मे माइट होगा, मे होगा तो माइट में चेंज करेंगे, वाज वर होगा तो हैड बीन लगाएंगे, और हैड होगा तो हैड ही रहने देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम एक एक करके बनाते हुए समझते हैं। ही सेड टू हर है तो टोल्ड हो जाएगा, सेड का टोल्ड, टोल्ड हर, ही टोल्ड हर यू गो टू मुंबई। यहाँ पर यू कौन सा है, सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन जैसा मैंने बताया था एस ओ एन यानी 1 2 3, तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, हर है, हर, तो हर का शी हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा दैट शी। अब यहाँ पे सी के हिसाब से, यहाँ पर अब यहाँ पे पास्ट है इसके लिए यहाँ पर गो का वेंट हो जाएगा, गो का वेंट हो जाएगा सेकेंड फॉर्म, ही वेंट टू मुंबई। ठीक है, ही वेंट टू मुंबई। यहाँ पर आई सेड टू हिम यू आर माई फ्रेंड, तो आई टोल्ड हिम दैट, अब यहाँ पर यू है तो यू किसके हिसाब से है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो ऑब्जेक्ट इसमें हिम है, हिम, तो हिम का ही हो जाता है कि ही, फिर इसके साथ आर लगा है तो आर इज आर एम का वॉज वर हो जाता है, तो ही के साथ इज आता है तो यहाँ पर वॉज आ जाएगा, ही वॉज। ठीक है ना, यहाँ पर आई है इसलिए माई का माई रहने देंगे, ही वॉज माई फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से इसमें चेंज करने में कुछ भी ज़्यादा आपको दिमाग पर जोर देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखना यह है कि यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ पर इस तरफ अगर हैज हैव रहेगा तो उसको हम हैड में बदल देंगे, अगर इस तरफ शैल विल, इसमें और भी चेंजिंग करने के लिए होते हैं जैसे कि दिस का दैट, दिस का दोज, नाउ का देन, इस तरह से इसमें हैंड्स का देंस, टुमारो का नेक्स्ट डे, टुडे का दैट डे, यस्टरडे का प्रीवियस डे, इस तरह से हम इसमें मतलब चेंजिंग आता है, टेंस चेंजिंग, पर्सन चेंजिंग और ये प्रोनाउन चेंजिंग, बस ये तीन चेंजिंग आते हैं, उसको आपको अच्छी तरह से समझ लेना है। उसके बाद सारा नरेशन का जो भी उसमें बदलाव आता है बदलने के लिए, चेंज करने के लिए, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।